मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कलवा विधानसभा की चुनावी प्रचार अब तेज हो रही है। एनसीपी और शिवसेना का मुकाबला माना जा रहा था, मगर अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी का भी इस चुनाव में अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि लोगों में पहले एनसीपी और शिवसेना एमआईएम पार्टी की टक्कर मानी जा रही थी, मगर एमआईएम उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने पर कहीं ना कहीं एमआईएम समर्थक और एमआईएम पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने की बात कही थी। और जितेंद्र अवार्ड, दीपाली सैयद और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अल्तमस फैजी में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने एक रैली भी निकाली, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिली। एमआईएम पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने की बात कही है, मगर आज जो रैली निकाली गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें कुछ ही एमआईएम के कार्यकर्ता नजर आए। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी तक पार्टी के वरिष्ठों की तरफ से मुंब्रा में एमआईएम को आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का लेटर नहीं मिला है। जैसे ही लेटर मिलेगा, एमआईएम पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अबू अल्तमस फैजी को समर्थन करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी गरीबी, रोजगार, विकास जैसे तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हलचल तेज़ हो रही है। सभी विकास, रोजगार जैसे चुनावी मुद्दे बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल शिवसेना और एनसीपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों ही अपनी चुनावी प्रचार के दौरान विकास जैसे मुद्दे की बंसी बजा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है, किसकी बंसी मधुर बजेगी और ये मधुर बंसी कैसे जनता को अपनी तरफ खींचेगी। रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी ने क्या कुछ कहा है। सर, आप चुनाव, विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो इस पर आपका कलवा मुंब्रा से क्या अहम जो है मुद्दा है? देखिए, आप मुद्दा इस वक्त पूछ रहे हैं, वैसी हालत है जैसे मोदी जी की हालत है, कि मोदी जी जो है कॉरपोरेट सेक्टर से जीत करके आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ठीक उसी तरह ये जितेंद्र अवार्ड जब भी जीत करके आए हैं, तो ज़्यादातर इनको आवाम से ज़्यादा ये बिल्डर लॉबी से इनका बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, वही इनको फंडिंग भी करती है, बहुत सारी चीज़ें भी है। तो ऐसे लोगों जो है जब आते हैं काम करने के लिए, तो वो बिल्डर लॉबी के लिए ज़्यादा काम करते हैं, आवाम के लिए नहीं। आवाम की तीन बुनियादी ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गरीबी कब से हटे, लोगों के पास पैसे आए ताकि उनका पेट भरे। पेट भरने के बाद दूसरी चीज़ होती है हेल्थ, एजुकेशन तीन नंबर पे आता है। हेल्थ अगर सही है तभी एजुकेशन आगे हो सकता है। तो एजुकेशन के भी फील्ड में कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे 93 स्कूल का जो है, जो नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए थे, जो उनके वक्त में 20 था, वही आज भी 20 है, कोई 20 से आगे 21 नहीं हुआ है। और हालत इसलिए भी ख़राब हुई है कि बहुत सारे इसमें टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जो बाकी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी कमी रही है। ठीक है, और आप अगर देखेंगे हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर में सिर्फ इनके आज तक जब से आए हैं कोई चीज़ बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो बहुत पहले से यहाँ पर एक हॉस्पिटल नॉर्म्स होना चाहिए था, जिसमें 300 बेड का होना चाहिए था, वो 300 बेड की जगह यहाँ पर 100 या 150 बेड के लिए एक एमएम वैली की तरफ बना है, वो भी दो मंजिला बनना था, दो मंजिले की जगह एक मंजिल हो गया। एक मंजिल के बाद जो है अब सुनने में आ रहा है कि वो PPP हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में जा रही है, गवर्नमेंट की नहीं रह पाएगी। तो ये इसका कोई मकसद नहीं रह गया इस हॉस्पिटल का, क्योंकि गरीब आदमी इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इसमें अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो ये सेक्टर में, और वो अभी खुला भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कब खुलेगा पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो तीन बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, वो बुनियादी चीज़ों में उनका कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि यहाँ तीसरी बार के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरना चाहिए। इनकी उम्मीदवारी का पर्चा अब तो वक्त ख़त्म हो गया है लेने का, लेकिन कम से कम बैठ तो सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। एक मौका हमें दें कि हम कैसे करते हैं। मैं सोशल प्लानिंग का आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि प्लानिंग कैसे होती है। वो हिस्ट्री के हैं, उनसे मैं छोटा हूँ, उनकी 55-56 साल उम्र हो गई, मैं 50 साल की उम्र का हूँ। तो हमें मालूम है, हम यूनाइटेड नेशन से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक काम किया है, हमें मालूम है कि सोशल प्लानिंग क्या होती है। हम मुंब्रा के लिए और कलवा के लिए उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हम इनसे काम कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया गरीबी, रोजगार और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इस पर आपने जो है आगे क्या क्या प्लानिंग किया है, किस तरह से आपका चुनावी रणनीति और है? हमारी जितनी भी प्लानिंग है वो हमारी मैनिफेस्टो में दिखेगा आपको, और उसकी डिटेल स्ट्रेटजी मैनिफेस्टो में नहीं लिखी जाती है। हर चीज़ का हमारे पास जो है
पूरा का पूरा खाका बना हुआ है। डुएबल, डुएबल मतलब जो चीज़ हम कर सकते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वो हम करके दिखाएंगे इनको। एक टाइम पीरियड देंगे कि इस काम को हम इस पीरियड के अंदर करेंगे, इस टाइम को इस पीरियड के अंदर करेंगे, वो हमारा मैनिफेस्टो में भी आएगा। उसके बाद जब भी हम अगर बन के आ जाते हैं, आप हमसे पूछ लीजिए कि अब स्ट्रेटजी क्या है, हम आपको स्ट्रेटजी एक एक करके पॉइंट वाइज बताएंगे। भ्रष्टाचार के आपके इस रैली में भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी नारे लग रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर जो है आप किस तरह का कदम उठाएंगे? देखिए भ्रष्टाचार, हम तो आने के बाद तो ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी जहां जहां लिए जाते हैं उस पर सख्ती से हम देखिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें हमें पुलिस की भी मदद लगेगी, इसमें लोगों को जनता का आवाम का जो है साथ जब मिलेगा तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। देखिए कभी भी किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक शुरुआत करनी पड़ती है। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली के अंदर पूरा 100% भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, लेकिन जो गवर्नमेंट आई है उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। जो ऑफिसर हैं जो सिस्टम में पहले से चले आ रहे हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार हो सकती है, लेकिन उनके अंदर नहीं है। बस उन्होंने यही किया, आते ही अपने जितने भी एमएलए हैं उनका सैलरी बढ़ा दिया। आज इतनी खुशहाल है दिल्ली कि वो चाहे अगर तो बस और मेट्रो दोनों सारे आवाम के लिए फ्री कर दे, इतने पैसे उनके पास आ गए। मुंब्रा में अब चुनावी मुद्दों पर घमासान मची हुई है, एक दूसरे पर नेता तंज भी कस रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में भी प्रवेश कर रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।